तो गाइस, आज हम आपको भारत के राजस्थान राज्य के अजमेर ज़िले में स्थित एक नगर और प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल के दर्शन करवाते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो गाइस, हम अजमेर बस स्टैंड से पुष्कर के लिए बाई बस रवाना हो रहे हैं और यहाँ का जो बस का किराया है वो मात्र 30 रुपये हैं। तो आप अजमेर बस स्टैंड से पुष्कर के लिए बाई बस जा सकते हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पर कितनी घुमावदार सड़क है और काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। पहाड़ भी काफ़ी सुंदर है और यहाँ की जो पुष्कर की घाटियाँ हैं वो भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ये महाराणा प्रताप का स्टेचू था जो अभी आपने देखा, और आपको और चीज़ दिखाते हैं। पुष्कर अजमेर से 14 किलोमीटर दूर स्थित है और यहाँ प्रति वर्ष प्रसिद्ध पुष्कर मेला लगता है, हिंदुओं का प्रमुख मेला जो हर वर्ष लगता है। और ये देश का इकलौता ब्रह्मा मंदिर है जहाँ हम जा रहे हैं आपको लेकर, और इसी बीच में हम बातें भी करते रहेंगे, आपको थोड़ी बहुत चीज़ें बताते रहेंगे और साथ में आप यहाँ का जो नेचर व्यू है वो भी देखते रहिए। तो गाइस, हम पहुंच गए हैं पुष्कर बस स्टैंड, अब हम यहां से एक ऑटो ले लेते हैं। चाहे तो आप ऑटो ले सकते हैं और आपकी इच्छा है आप पैदल जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। 1 किलोमीटर के अंतर्गत आपको मंदिर देखने को मिल जाएगा, तो कोई ज़्यादा विशेष बात है नहीं ऑटो लेना नहीं लेना। और साथ में आपको यहाँ का जो सनसेट का व्यू है वो दिखाते हैं। यहाँ का जो सनसेट का व्यू है उसके मुकाबले कोई व्यू नहीं आता है यहाँ का। और आपको एक बात और बताते हैं, ये देश का इकलौता ब्रह्मा मंदिर है और स्पेशल बात ये है कि यहाँ पर जो पुष्कर झील है वो आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर 500 के करीब मंदिर हैं और जो औरंगजेब का समय था तब औरंगजेब द्वारा ध्वस्त करने के बाद पुनः मंदिरों को निर्मित किया गया था। और पुष्कर में पांडवों के अज्ञातवास के समय जो पांडवों द्वारा निर्मित 5 कुंड भी है जो कि नगर से पूर्व की ओर नाग पहाड़ पर स्थित है और वो 11 किलोमीटर लंबा पहाड़ है। तो गाइस, ये सब बातें तो हो गई ज्ञान की, और इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ का व्यू और यहाँ की जो गलियाँ हैं मंदिर परिसर तक जाने की, तो आप देखते रहिए। तो गाइस, ऑटो वाले अंकल ने हमको छोड़ दिया है मंदिर के लिए और अब हम आपको दिखा रहे हैं मंदिर तक थोड़ा पैदल जाना है। और यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई है हर प्रकार की तो आप देख ही सकते हैं, और बोर्ड आपको दिख रहा है श्री ब्रह्मा मंदिर और सावित्री मंदिर 0.5 किलोमीटर। और आपको दिखाते हैं पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर, सावित्री मंदिर, तो आप बने रहिए ब्लॉग में। और आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखें। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए गाइस आपको दिख। तो गाइस, हम थोड़ा आगे निकल गए और ब्रह्मा मंदिर थोड़ा पीछे रह गया, अब हम वापस से जा रहे हैं। और ये है ब्रह्मा मंदिर जो हमने आपको दिखाया था, अब चलते हैं। और यहाँ पर है जूते चप्पल खोलने का और फिर उसके बाद हम आपको आगे लेकर चलते हैं। वाह यार आईफोन भैया, आप यूट्यूबर हो भैया, हमको भी लेना वीडियो में। तो गाइस, हम अपने जूते खोल लेते हैं और फिर हाथ धोकर यहाँ से चलते हैं प्रसाद लेकर।
तो गाइस आज अच्छे से दर्शन किए भगवान ब्रह्मा के और हम आ गए हैं बाहर। और आपको अब लेकर चलते हैं पुष्कर सरोवर की तरफ, जहां पर अभी हो रहा है शाम का वक्त और हमें हो सकता है आरती देखने को मिले। तो हम चलते हैं और आपको वहां का व्यू दिखाते हैं क्या सीन है। हालांकि नाइट का व्यू है तो आप नाइट का ही व्यू आपको दिखेगा। और हम जा रहे हैं पैदल पैदल, तो बिल्कुल पैदल पैदल वाली ही आपको वीडियो देखने को मिल रही है। और ये देखो अंग्रेज साइकिल से, यहाँ पर काफ़ी मात्रा में अंग्रेज़ आते हैं। मंदिर की काफ़ी ख़ास बातें हैं जो आपको बताएंगे हम वीडियो में, आप बने रहिए हमारे साथ। तो बस गाइज हम पहुँचने ही वाले हैं पुष्कर सरोवर की तरफ। तो गाइस कुछ ही कदम जाने के बाद हम मंदिर पहुंच जाएंगे। तो गाइज आपको ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। तो गाइज आपको ब्लॉग कैसा लगा। और अब हम जा रहे हैं अजमेर बस स्टैंड और बीच में आपको दिखाते हैं वही महाराणा प्रताप की स्टैचू आएगी। और यहाँ का जो नज़ारा देख रहे हैं आप, रात का व्यू अजमेर का, ऐसा लगता है अजमेर रात का।